वेलकम फाइनल ईयर पेंट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। एमसीक्यू सीरीज में आज नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर ए बेयर थर्मोकपल इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव सीट द रेस्पॉन्स बिकम। अगर हम थर्मोकपल को एक प्रोटेक्टिव सीट से कवर कर देंगे तब हमारा ट्रांसफर रेस्पॉन्स क्या होगा, फास्टर एंड ऑक्सीलेटरी होगा, फास्टर एंड नॉन ऑक्सीलेटरी होगा, स्लोअर एंड ऑक्सीलेटरी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्लोअर एंड नॉन ऑक्सीलेटरी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा स्लोअर एंड नॉन ऑक्सीलेटरी। सेकेंड क्वेश्चन, विच टेम्परेचर स्केल असाइन 0 degree टू द आइस पॉइंट एंड 80 degree टू द स्टीम पॉइंट। कौन सा टेम्परेचर स्केल आइस पॉइंट को 0 degree पर इंडिकेट करता है एंड स्टीम पॉइंट को 80 degree पर इंडिकेट करता है। आइस पॉइंट हमारा 0 degree सेल्सियस सेल्सियस पे भी करता है लेकिन स्टीम पॉइंट पे हमारा 100 degree के आसपास करता है, लेकिन हमारा रैंकिन में स्टीम पॉइंट हमारा 80 degree डिनोट करता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा रैंकिन। ए बोलोमीटर इज, आपका जो बोलोमीटर है वो हमारा किस लिए यूज़ होता है। फर्स्ट ऑप्शन, यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ थर्मल रेडिएशन को मेजर करने के लिए, एंड एलिमेंट विच सेंसेस ऑप्टिकल इनपुट एंड डिलीवर्स थर्मल आउटपुट। वह एलिमेंट जो कि ऑप्टिकल इनपुट को ऑप्टिकल सेंसेस को इनपुट करता है और थर्मल को आउटपुट करता है। मेन मतलब सेंसेस के थ्रू आपका जितना आउटपुट रहेगा उसको बाई थर्मली आउटपुट करेगा, या फिर बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन आइदर ए और बी। तो यहाँ पे हमारा बोरोमीटर थर्मल रेडिएशन को भी मेजरमेंट करता है। सेकेंडली विच सेंसेस ऑप्टिकल इनपुट एंड डिलीवर थर्मल आउटपुट। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बोथ ए एंड बी। द फ्रिक्वेंसी एट विच मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेशियो इज अटेंड इज कॉल्ड द विच फ्रिक्वेंसी, जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड रेशियो बहुत मैक्सिमम मिलता है वो हमारा कौन सी फ्रिक्वेंसी को डिनोट करता है। इट्स डिनोट द रेसोनेंट फ्रिक्वेंसी। द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस विद रेसिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी। फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में आपके रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट किया गया है एंड कैपेसिटेंस को कैपिटल सी से, तो हमारा टाइम कांस्टेंट क्या होगा। टाइम कांस्टेंट हमारा रहेगा आर माइनस सी। थर्मोकपल इज सुटेबल फॉर मेजरिंग। थर्मोकपल हमारा किसको मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लिक्विड टेम्परेचर ओनली, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड टेम्परेचर को। सेकंड, वेरी हाई टेम्परेचर ओनली, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। थर्ड, वेरी लो टेम्परेचर ओनली, एंड फोर्थ ऑप्शन बोथ हाई एंड लो टेम्परेचर। मेनली हमारा थर्मोकपल में मरकरी फेल होता है। थर्मोकपल हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। सी, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करेगा इज नॉट पॉसिबल, ये बाकी टेम्परेचर्स को भी मेजर करेगा। और थर्मोकपल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि हाँ वो हाई टेम्परेचर या फिर लोअर टेम्परेचर को ही मेजर करेगा। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल
राइट होगा, बोथ हाई एंड लो टेम्परेचर. वेरी लो टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोन्स विच इज इक्वल टू 0.001 mg ऑफ एच जी कॉलम. इट्स एब्सोल्यूट एट 0 degree Celsius. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन द डैश ऑफ मर्करी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ग्लास थर्मोमीटर में मर्करी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा तब मर्करी आपका किस बेस पे वर्क करेगा? मर्करी हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पर वर्क करता है. इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ग्लास थर्मोमीटर का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है प्रेशर पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. इंक्रीज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के इंक्रीज होने पर ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है लेकिन उसका मर्करी से कोई भी इफेक्ट नहीं होता. एंड थर्ड इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जब मर्करी का वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तभी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है. थर्ड ऑप्शन इज राइट. एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन, इट्स आल्सो रॉन्ग. इसको दोबारा रिपीट कर ले रहे हैं सभी क्वेश्चंस को. व्हेन ए वेयर थर्मोकपल इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव शील्ड द रेस्पॉन्स बिकम्स स्लोअर एंड नॉन ऑक्सीलेटिव. दिस टेम्परेचर स्केल असाइन 0 degree इज द आइस कंपोनेंट एंड 80 degree टू द स्टीम पॉइंट इट्स अ रैंकिंग टेम्परेचर. बोलोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड आल्सो एन एलिमेंट विद सेंसेस ऑप्टिकल इनपुट एंड डिलीवर थर्मल आउटपुट. द फ्रिक्वेंसी एट विच मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे हमारा रेसोनेंट फ्रिक्वेंसी रहता है. फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में टाइम कांस्टेंट हमारा रेसिस्टेंस माइनस कैपेसिटेंस रहता है. थर्मोकपल हमारा हाई एंड लो बोथ टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. वेरी लो टेम्परेचर पे मर्करी कॉलम इन माइक्रोन. वेरी लो प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोन विच इज इक्वल टू 0.001 mm ऑफ एच जी कॉलम एट 0 degree C. मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर मर्करी वर्क डिपेंड ऑन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन.